okay hi everyone so we are going to start unit 2 and as you can see the first topic is uh, schrodinger equation so again uh, we will study this topic from the book by ashok das uh, chapter number 6 and this is topic number 6.5 the schrodinger equation okay okay so the uh, we know the schrodinger equation we have studied in uh, bsc also uh,

इफ वी टेक द इनर प्रोडक्ट ब्रा मतलब इस इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड से ब्रा से क्लोज करते हैं से, तो हमारे पास में एक एक्स हमें इस साई के साथ में यहाँ लगाना पड़ेगा ठीक है सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सो आयोटा एच क्रोज डेल बाय होगा और हमारे पास में इस साई के साथ में क्या लग जाएगा एक्स लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा एक्स एच साई इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है आ, हम आ, इस तरह से इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो दिस इज नथिंग बट द ये हमारे पास में इस तरह से एक्स एच गिवन होता है तो हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर इसको देखा था रिप्रेजेंट करने का तरीका इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर हमको करना है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए डी थ्री एक्स प्राइम हो जाएगा एंड फ्रॉम द क्लोज कंप्लीटनेस रिलेशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स एज इट इज है करेक्ट uh, एक्स जो है वो यहाँ पर एज इट इज है देन एच प्राइम यहाँ पे एज इट इज है और कंप्लीटनेस रिलेशन से या क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे डाल दिया एक्स प्राइम ओके सो हमारे पास में ये आ जाएगा और साइज स्टेट एज इट इज है नाउ द मैट्रिक्स एलिमेंट एक्स एच एक्स प्राइम इज द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दैट इज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ये हमने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पहले भी देखा है सो so, यहाँ पे ये यह क्या करेगा इट इज अ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और मैट्रिक्स एलिमेंट होता है ये होता है मैट्रिक्स एलिमेंट तो जिसको हमने लिखा है यहाँ पे हैमिल्टोनियन का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड वी हैव यूज दिस डेल्टा फंक्शन विच मीन्स कि सिर्फ हमारे पास डायग्नल एलिमेंट जो होंगे वो ही सर्वाइव करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे x जब x प्राइम के इक्वल होगा तभी हमारा जो डेल्टा फंक्शन है वो वन होगा तो हमें जो है एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाएगा इफ इट इज नॉट इक्वल एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम देन वी वी गेट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे हमारे पास में u एक्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की एंड अब हमारे पास में क्या है आ, Okay, it into we then obtain, uh, क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे हम एज इट इज रखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रोबेबली एज इट इज रखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज राइट हैंड साइड में कहा पुट करना है हमें ये चीज ये जो वैल्यू मिली है ये हमें एक्स जो इंटीग्रेशन है, है और राइट हैंड साइड में हमारा साई के साथ में प्रोडक्ट है ये एज इट इज रहेगा सो राइट हैंड साइड में एक्स प्राइम का साई के साथ में प्रोडक्ट एज इट इज है इंटीग्रेशन वाला पार्ट एज इट इज है और हमारे पास में हमें मिल गया डेल थ्री एक्स माइनस एक्स प्राइम और यहाँ पे हमने लिख लिया एच ठीक है वो हमारे पास में हैमिल्टोनियन जो है वो एज इट इज आ चुका है इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है और साथ में डेल्टा एक्स माइनस ए है तो इसका सॉल्यूशन होता है एफ ऑफ ए अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन किस पे वेरिएबल कौन सा है एक्स पे है करेक्ट तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स प्राइम दिस इज वेरिएबल सो ये तो काम कर रहा है एक्स का करेक्ट यानी जो एक्स प्राइम है वो तो काम कर रहा है एक्स का तो जो ए है ए की जगह हमें क्या मिला हुआ है ए की जगह हमें मिला हुआ है X. A की जगह हमें मिला हुआ है है तो जो भी फंक्शन उस सारे फंक्शन में एक्स प्राइम की जगह क्या पुट करना पड़ेगा एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में होता है यहाँ पे डी लगा हुआ होता है इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको रिप्लेस करना होता है सो so, हमारे पास में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स प्राइम तो प्राइम वेरिएबल है इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जहां जहां जो फंक्शन है तो फंक्शन एच है एच की जगह तो एच आ जाएगा इनर प्रोडक्ट हमें जो दिया हुआ है ये इसमें एक्स प्राइम था लेकिन एक्स प्राइम वेरिएबल है तो इसकी जगह हमें एक्स रखना पड़ेगा तो हमारे पास एक्स आई आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर यूज किया है ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो H H है वो है हमारे पास में ये था, में ये एक्सप्रेशन था एक्चुअल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम ये भी जानते हैं कि एक्स आई जो होता है उसे साई एक्स टी लिखा जा सकता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया है इट इज नथिंग अदर देन द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स ए टाइम टी सो फंक्शन तो उस इक्वेशन भी जो हमें लिखते हैं तो हमारे पास में left -hand side में क्या हो जाएगा मतलब पे का इनर प्रोडक्ट है वहां पर अपन यूज करेंगे साई एक्स टी तो हमारे पास ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा इसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास में इस जगह लिखना है साई एक्स टी राइट हैंड साइड में भी ये वाला है इसकी जगह लिखना है साई एक्स एन टी और अब जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है ये करेक्ट सो so, यहां पर ये हमारे पास में क्या होती है दिस इज कॉल्ड शोडिंग इक्वेशन ठीक है इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यू इक्वेशन e so साई -एन पे होता है और एनर्जी आईगेन वैल्यू मिलती है ई एन और वापस में मिल जाता है साई एन वेयर ई एन इज द एनर्जी ऑफ एनथ लेवल करस्पॉन्डिंगली हमारे पास इस जो इक्वेशन हमें मिली है इसको लेफ्ट हैंड साइड से वापस एक्स से क्लोज करो इस तरह से तो यहाँ पर

और राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या था राइट हैंड साइड में हमारे पास सिक्स थ्री सेवन बी देख लेते हैं एक बार ओके सिक्स पॉइंट थ्री सेवन बी में पुट करना है क्या ठीक है इस इक्वेशन में पुट करने को बोला है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट क्या करना था तो यही भूल गई सो सिक्स पॉइंट थ्री सेवन जो है वो हमारे पास में ये है और हमें सिक्स पॉइंट थ्री सेवन में वो रिजल्ट पुट करना रिजल्ट क्या पुट करना था रिजल्ट हमें क्या मिला था एच एन साइए इज इक्वल टू ईन साइए फिर हमने क्या किया था एक्स एक्स को क्लोज किया था मैं भूल गई इसलिए मैं वापस लिख देती हूँ और En एन इधर आ जाएगा x और यहाँ जाएगा साइन फिर हमें कहा गया था कि ये okay, 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 I got it. Right. हमें इसकी वैल्यू मिल गई है ना ये ये यहां पे right -hand side में. तो राइट right में हम इसकी जगह ये एन वाला पार्ट रखेंगे तो right -hand side में हम एन वाला रखेंगे, left -hand side हम वाला रखेंगे. रखेंगे. ठीक है ये हम करेंगे तो लेफ्ट देखो एज इट इज है ये इज है राइट हैंड साइड में हमें ये था uh, right में हमारे पास क्या था एक्स साइन ये हमने रख दिया था आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है ये तो डायरेक्टली आ ही रहा है ना ये तो इक्वेशन थ्री सेवन बी तो है एज इट इज लिखा हुआ लिखावा तो है ये तो इसमें रिजल्ट सब्सिट्यूट कहाँ किया ओके लेट मी सी अगेन सिक्स पॉइंट थ्री सेवन बी मैं भी भूल जाती हूँ ओके सिक्स पॉइंट थ्री सेवन बी है एज इट इज वही इक्वेशन रीराइट की है इसमें यहाँ गलत लिख दिया इन्होंने उन्होंने सब्सिट्यूट करने से पहले ही बोल दिया ये बात कि सब्सिट्यूट करने वाले हैं ये थ्री सेवन बी है हमारे पास में यही मिली थी हमें वैल्यू अब रखेंगे इसकी जगह हम रखेंगे साइए करेक्ट और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो अब पुट करेंगे अपन तो इन्होंने पहले ही पुट बोल दिया कि सब्सिट्यूट जबकि हम सब्सिट्यूट अब कर रहे हैं और अब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं ई एन टी जो कि ई एन साइए टी हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने प्रूफ किया जी हमारे पास में ऑब्वियसली जो रिलेशन हमने अभी देखा था आइगन वैल्यू इक्वेशन को उसको हमने प्रूव कर दिया नाउ दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम क्योंकि यहाँ डेल बाय डेल्टी है तो इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो साई की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से दिया जाता है फ्रॉम इक्वेशन सिक्स पॉइंट फोर थ्री ए में जो गिवन है वो इसका सॉल्यूशन होता है जहां पर हमारे पास फाइव एक्स है जो सिर्फ एक्स का फंक्शन है और टाइम वाले पार्ट को अलग से मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव फंक्शन है वो एक्स और टी दोनों का है और राइट हैंड साइड में हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया है मतलब दो वेरिएबल थे एक्स और टी एक्स का अलग फंक्शन ले लिया विच इज फाइव और टी का अलग फंक्शन ले लिया विच इज एक्सपोनशियल वाला पार्ट और ये वाला यूजी में आपने पढ़ा है तो यहाँ पर हमारे पास में जो फाइ एन एक्स है क्योंकि इसमें टाइम की डिपेंडेंस नहीं है और टाइम की डिपेंडेंस नहीं होने की वजह से हम क्या कहेंगे इसको स्टेशनरी स्टेट कहेंगे सो so, ये जो फाइ एन एक्स है ये हमारा क्या होता है स्टेशनरी स्टेट होता है और ये स्पेस पार्ट होता है वेव फंक्शन का क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है पोजिशन पे डिपेंड कर रहा है स्पेस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज इट इज कॉल्ड स्पेस पार्ट ठीक है तो इसलिए इसमें स्पेशल कोऑर्डिनेट होते हैं टाइम डिपेंडेंट वाला पोर्शन हमारे पास अलग से है सो so जो टाइम डिपेंडेंस है टाइम डिपेंडेंस हमारे पास में किससे आई है इस वाले फंक्शन से आई है ठीक है ये टाइम डिपेंडेंस वाला पार्ट हो गया नाउ हमारे पास में अगर हम वापस शोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तो शोडिंग थी आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच साई इसी इक्वेशन को वापस लिखो सो ये एच साई है और ये आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी है हमारे पास में है इसी इक्वेशन को हमने वापस लिखा है या फिर एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर लो और यहाँ अब साई की जगह आ, वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो वाली पुट करो साई की जगह में क्या मिलेगा फाइव और ई टू पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस यहां पर देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है राइट हैंड साइड को एक बार सॉल्व करो तो आई एच डेल बाई डेल टी डेल बाई डेल टी फाइव एन एक्स और इ टू पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस ये मिल रहा है अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है तो फाइव एन एक्स तो क्या है कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा सो so, तो बाहर आ जाएगा और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी का जो कोफिशियंट है वो हमें बाहर मिलेगा सो माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस और बाद में हमें एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस मिल जाएगा यही मिल जाएगा हमें अब हमारे पास में देखो इस एच क्रॉस से ये एच क्रॉस कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे माइनस आए है यहाँ पे प्लस आयोटा है विच विल बी इक्वल टू प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सा कैंसिल आउट होगा देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा सो so, रिमेनिंग क्या बचा एच की जगह हमने ये लिखा है यहाँ पे फाइव बच रहा है हमारे पास में फाइव आ जाएगा राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या बच रहा है सिर्फ फाइव बच रहा है और ये ई e बच रहा है तो so, ई e की जगह हमारे पास ई e एन आ जाएगा और फाइव एन एक्स आ जाएगा करेक्ट ये हमारे पास क्या हो जाती है टाइम इन श्रोडिंगर इक्वेशन सो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इनडिपेंडेंट कहीं नहीं आ रहा है सो दिस इज टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देख ली है इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोबेबिलिटी के बारे में जो कि हम जानते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी हमारे पास में होती है मोड ऑफ साई का स्क्वायर होता है सो so, अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट है मान लीजिए डी थ्री एक्स इस वॉल्यूम एलिमेंट में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी को हमें डी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो राइट हैंड साइड में हमारा साई si एन का जो मोड स्क्वायर है वो डी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे साई एन की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखो मोड़ का स्क्वायर है मोड का स्क्वायर का मतलब साई स्टार साई अब साई हमारे पास में गिवन क्या है फाइव मल्टीप्लाई बाई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस तो साई स्टार क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई की पावर प्लस आयोटा ईटी अपॉन एच क्रॉस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल वाला पावर जो है वो वन मिल जाएगा और यहाँ पे अपो अपन को सिर्फ फाइव का स्क्वायर मिलेगा इसलिए यहाँ पे फाइव का स्क्वायर है वॉल्यूम एलिमेंट एज इट इज है प्रोबेबिलिटी जब, जब को तो हम पी एक्स बोल रहे थे अब हमारे पास सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो हम इसे सिर्फ एक्स की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे क्योंकि तो इसमें टाइम का पार्ट है ही नहीं तो डी थ्री एक्स हमारे पास में आ जाएगा सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स इन वोल्यूम डी थ्री एक्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम देख लिया हमने की प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही है ना इफ द पार्टिकल इज इन ए स्टेशनरी स्टेट अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है तो फर्दर मोर टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए सो अगर इस प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन किया जाए तो टोटल इंटीग्रेशन हमेशा क्या मिलना चाहिए वन मिलना चाहिए ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है दैट्स इट तो ये हमारा था अः uh, इक्वेशन